हेलो एवरीबॉडी, एनसीईआरटी हनीकॉम क्लास सेवन्थ की जो इंग्लिश की बुक है उसके अंदर ये चैप्टर नंबर वन है, थ्री क्वेश्चंस। इसमें मैं अगर आपको बाहर से इसका एक रूप बताऊं तो ये कहानी है एक राजा की, जिसके मन में तीन सवाल हैं। उन सवालों का उत्तर ढूंढने के लिए वो पूरी अपनी प्रजा में पूरी कोशिश करता है, लोगों के पास टेलीग्राम्स भिजवाता है, लोगों से पूछता है, जिस भी तरीके से वो जानना चाहता है वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि उसे इसके तीन सवालों के जवाब मिल जाएं। उसके बाद वो एक बूढ़े बाबा के पास जाता है जहाँ से उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। उन सवालों को जवाब को पाने के लिए क्या क्या रास्ते अपनाते हैं, किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है, ये लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ थ्री क्वेश्चंस। इसमें हम क्या करेंगे कि मैं पहले आपको इंग्लिश में बताऊंगा, उसके बाद मैं उसका अर्थ जो है आपको हिंदी में समझाऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट। बिफोर यू रीड, अ किंग हैज थ्री क्वेश्चंस And he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? एक राजा के तीन सवाल हैं और वो उन सवालों के उत्तर चाहता है। वो तीन सवाल क्या हैं? क्या राजा को उसके उत्तर मिले? Three questions. The thought came to a certain king that he would never fail. If he knew three things, these three things were, what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? एक राजा के मन में तीन सवाल आते हैं, जिसमें के पहला सवाल है, किसी भी चीज को शुरू करने का सही वक्त क्या है? दूसरा सवाल है, वो कौन से लोग हैं जिसे उसे सुनना चाहिए या जिनकी सलाह उसे लेनी चाहिए? और तीसरा सवाल जो है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो राजा को करनी चाहिए? द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी To anyone who would answer these three questions. राजा ने messengers भेजने शुरू किए अपने पूरे राज में, जहाँ तक उसका kingdom था वहाँ पर उसने messengers भेजे, लोगों को बोला कि मैं बहुत सारा पैसा दूँगा अगर मुझे मेरे सवालों के उत्तर दे देंगे तो। Many wise men came to the king, But they all answered his questions differently. बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग आए राजा के पास, परंतु उन्होंने जो उसके questions थे उनका जो उत्तर दिया वो बहुत ही अलग तरीके से दिया। In reply to the first question, some said that the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at the time. जो पहले प्रश्न का उत्तर लोगों ने जो दिया, लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए, जैसे हमारे स्कूलों में टाइम टेबल होता है, इस तरीके से अगर आप लें भी किसी चीज़ को निर्धारित करना कि मैं आज इतने बजे उठूँगा, इतने बजे खाना खाऊँगा, इतने बजे मैं खेलने जाऊँगा, इतने बजे मैं स्कूल का काम करूँगा, इतने बजे मैं ये करूँगा, तो एक तरीके से उस दिनचर्या को फिक्स करना और फिर उसे बहुत स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो करना, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। केवल इसी तरीके से उन लोगों ने कहा कि जो भी चीज़ है आप जो करना चाहते हैं उसे एक प्रॉपर टाइम में आप कर पाएंगे। और कुछ लोगों ने फिर ये सवाल उठाया इसके ऊपर कि ये कह पाना या ये डिसाइड कर पाना कि किसी चीज़ को करने का सही समय क्या है वो बहुत मुश्किल है।
और जो राजा है उसे सब कुछ देखना चाहिए और जो फुलिश प्लेजर्स होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है उस वक्त पे करना वो करना चाहिए। येट अनदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम टू एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शंस। फिर कुछ लोगों ने कहा कि राजा के पास एक काउंसिल होनी चाहिए। काउंसिल का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप या एक कुछ लोगों का समूह जिसे चूज़ किया जाता है सलाह देने के लिए। ज़्यादातर जैसे हमारी जो हिंदी भाषा में इन्हें सलाहकार कहा जाता है, सलाहकार होने चाहिए राजा के पास, अच्छे सलाहकार जो के उसे उन्हें राजा को जो अच्छा सही वक्त होता है उस पे काम करने के लिए बताएंगे। क्योंकि एक जो आदमी होता है सिंगल आदमी के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है डिसाइड कर पाना कि सही वक्त क्या है, हर एक्शन का सही वक्त क्या है। फिर कुछ लोग बोलते हैं बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। तो लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो अर्जेंट हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। ये चीज़ें काउंसिल का जो डिसीजन आने तक, सलाहकारों का डिसीजन आने तक नहीं रुक सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। किसी चीज़ को करने का निर्धारित करने से पहले फ्यूचर में उस चीज़ का देखना होता है, और ऐसा अगर कोई कर सकता है तो वह जादूगर है। तो राजा को एक जादूगर के पास जाना चाहिए। कुछ लोगों ने इस तरीके से सलाह दी। और इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर सेड द प्रीस्ट। कुछ लोगों ने कहा कि राजा के जो सबसे ज़रूरी व्यक्ति हैं उसके जीवन में वो उसके सलाहकार हैं, काउंसलर्स हैं, और कुछ ने कहा कि पुजारी हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स हैं। और एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और कुछ लोगों ने कहा कि उसके जो सैनिक हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप्स। तो कुछ जो तीसरा प्रश्न था उसका लोगों ने जवाब दिया कि उसका साइंस है, और कुछ लोगों ने कहा लड़ाई झगड़ा है या फिर लड़ाई करना किसी दूसरे राजा के ऊपर, चढ़ाई करना, और कुछ लोगों ने कहा कि पाठ पूजा करना। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। क्योंकि राजा के जो प्रश्न थे उनके उत्तर इतने भिन्न थे, इतने अलग अलग थे कि राजा को उससे संतुष्टि नहीं हुई, और राजा ने किसी को भी कोई भी रिवार्ड या कोई भी पैसा या जो भी प्रलोभन उन्होंने दिया था लोगों को बुलाने के लिए वो नहीं दिया, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं हुए उनकी बातों से। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। तब राजा ने ये डिसाइड किया कि वो उस हर्मिट की, हर्मिट का मतलब क्या होता है, जो एक ऐसा व्यक्ति बाबा प्रकार का, जैसे हम बाबा कह सकते हैं, जो अकेला रहता है और एक सादी जिंदगी जीता है, वो जो कि हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, उसकी समझ के लिए, उसकी सूझबूझ के लिए वो उसको ख्याति प्राप्त थी। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, बट ही रीच्ड द हर्मिट हट। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। जो हर्मिट था वो एक छोटे से जंगल में रहता था, वो किसी से नहीं मिलता था, केवल साधारण व्यक्तियों से ही मिला करता था। तो राजा ने उससे मिलने के लिए साधारण कपड़े पहने
और जो उनका घोड़ा था उसे और उनका जो अंगरक्षक था दूर खड़ा करके अकेले वो उस बाबा से मिलने उस छोटे से जंगल में चले गए। जैसे ही राजा एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जैसे ही राजा हर्मिट के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो हर्मिट है जो बाबा है वो अपने ग्राउंड में जो अपने जो उनकी जो कुटिया टाइप थी वहाँ पे वो खड्डा खोद रहे हैं। उन्होंने राजा को नमस्ते किए प्रणाम किए और वो खड्डा खोदते रहे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवीली। हर्मिट बूढ़े थे और काफ़ी कमज़ोर थे तो जब वो फावड़ा चला रहे थे तो काफ़ी हाँफ रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चंस। राजा उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हे बुद्धिमान बाबा मैं आपके पास आया हूँ तीन सवाल लेके, कृपया करके मुझे इन तीन सवालों के जवाब दीजिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं कैसे सीखूँ किसी चीज़ को सही चीज़ को सही समय पर करना। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कौन से ऐसे काम हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। यही तीन सवाल जो राजा ने पहले और लोगों से पूछे थे वही तीन सवाल अब वो उस बाबा से पूछ रहे हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट ही डिडंट स्पीक। ही वेंट ऑन डिगिंग। यू आर टायर्ड सेड द किंग। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। हर्मिट ने राजा को सुना बट कुछ बोला नहीं और वो खड्डा खोदता रहा। राजा ने कहा बाबा आप थक गए हैं मुझे दे दीजिए ये फावड़ा मुझे दे दीजिए मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। फिर बाबा ने उन्हें अपना कुदाल दे दिया जिससे कि राजा उनका काम कर सके और बाबा ज़मीन पे जाकर बैठ गए। When the king had dug two beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने दो खड्डे खोद दिए तो वो रुके और उन्होंने दोबारा अपने सवालों को दोहराया। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, Now you rest and let me work. बाबा ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। वो खड़े हुए और अपने हाथ को आगे बढ़ा के बोले कि अब मुझे दे दीजिए बाकी का काम मैं करता हूँ आप कृपया आराम कीजिए। बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू द डिग। पर राजा ने वो कस्सी फावड़ा या खुदाल जिस भी चीज़ से वो खुदाई कर रहे थे उन्हें नहीं दिया और खुद ही उसे करते रहे। एक घंटा बीत गया वन आवर पास्ट देन अनदर। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। एक घंटा बीत गया दो फिर उसके बाद अगला घंटा बीत गया। धीरे धीरे सन जो है सूर्य जो है वो अस्त हो गया उन ट्रीज के पीछे सूर्य अस्त हो गया। और उसके बाद राजा ने जो कस्सी थी उसे ज़मीन पे मारा या ज़मीन पे रखा। उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि हे भले आदमी मैं आपसे अपने सवालों के जवाब पूछने आया हूँ अगर आप मुझे आंसर नहीं दे सकते तो बताइए मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। कोई दौड़ता हुआ आ रहा है बूढ़े ने कहा। तो इसमें बीच में एक कंप्रीहेंशन चेक भी है जिसमें कुछ सवाल हैं कि वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर टू द थ्री क्वेश्चंस। राजा उन तीन सवालों के जवाब क्यों चाहता था। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू द किंगडम। मैसेंजर दो जो थे वो पूरे किंगडम में क्यों भेजे गए किसी समझदार आदमी को लेके आने के लिए अपने आंसर्स
क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए, वाइज हर्मिट को ढूंढने के लिए, या फिर एक रिवार्ड को घोषित करने के लिए जो उसके उत्तर को दे सके। तो आप इसका प्लीज़ आंसर दीजिएगा खुद सोच के, जो मैंने आपको ऊपर बताया है उससे आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए अगला है, द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। देखिए इससे पहले क्या था, बूढ़े ने कहा था कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, तो किंग जब मुड़ते हैं वापस एक दाढ़ी वाले मनुष्य को उनकी तरफ भागते हुए देखते हैं। उस हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, उसका हाथ उसके पेट पे दबा हुआ था जिससे कि खून निकल रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया और जमीन पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैंस क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वूंड ऑन हिज स्टमक, राजा और बूढ़े ने उसके कपड़े उतारे और देखा कि उसके पेट पे एक बहुत बड़ा घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, राजा ने उसे धोया और उसे अपने रुमाल से बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर खून आना बंद नहीं हुआ। राजा ने दोबारा उसको पट्टी की, दोबारा उसको रीड्रेस किया और आखिरी में जाके ब्लीडिंग रुक गई। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, आदमी अच्छा महसूस करने लगा और कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा पानी लाया और उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, अभी शाम हो चुकी थी और हवा भी ठंडी हो गई थी। राजा ने बूढ़े की मदद से उस चोटिल व्यक्ति को झोपड़े में ले जाकर लेटा दिया। द मैन क्लोज हिज आईज एंड ले क्वाइट, आदमी अपनी आँखें बंद करके आराम से लेट गया। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, राजा इतना काम करने की वजह से और वॉकिंग की वजह से थक गया और वहीं ज़मीन पर लेटा हुआ ही सो गया। व्हेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। जब राजा उठता है कुछ मिनट उसे लगते हैं जब वो याद कर पाए कि ये दाढ़ी वाला व्यक्ति जो वहाँ पे लेटा हुआ है वो कौन है। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ द किंग वॉज अवेक, मुझे माफ़ कर दीजिए, दाढ़ी वाला व्यक्ति देख जब राजा को देखता है कि राजा उठ गया है तो उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, मैं आपको जानता नहीं हूँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं आपको माफ़ कर दूँ, राजा कहता है। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता था क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया और मेरी जो प्रॉपर्टी थी उस पर कब्जा कर लिया। आई न्यू यू हैड गोन अलॉन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन द वे होम, मुझे मालूम था कि आप बूढ़े से मिलने गए हैं और मैंने दिमाग बनाया कि आपको रास्ते में ही मार दूँ। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर दिन ढल गया और आप वापस नहीं आए, तो मैंने अपना जहाँ मैं छुपा था उस जगह से बाहर निकला और मुझे फिर आपके बॉडीगार्ड ने पहचान लिया और मुझे चोटिल कर दिया। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वूंडेड मी, आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वूंड, मैं आपके बॉडीगार्ड से भाग आया, मैं मर जाता अगर आप मेरे चोट को या मेरी जो चोट लगी थी उस पर मरहम या पट्टी नहीं करते तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं आपको मारना चाहता था परंतु आपने मुझे बचा लिया। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, अगर मैं अब जीता हूँ
तो मैं आपका सबसे वफादार नौकर बन के रहूँगा और अपने बच्चों को भी यही कहूँगा कि वो भी ऐसा ही करें, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली। राजा बहुत खुश थे कि उन्होंने अपने दुश्मन के साथ दोस्ती कर ली, वो भी इतनी आसानी से। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे अपना दोस्त भी बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रोमिस टू गिव हिम बैक द मैन टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। राजा ने ना केवल उसे माफ़ कर दिया बल्कि कहा कि मैं अपने नौकर और अपना जो उनका पर्सनल डॉक्टर था उसे भेजूँगा उनका ध्यान रखने के लिए, और साथ ही साथ उन्हें वादा किया कि जो भी प्रॉपर्टी राजा ने उनसे ली है उसे वो वापस कर देंगे। लीविंग द वुडन वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट बिफोर गोइंग अवे। ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। उस चोटिल व्यक्ति को छोड़ने के बाद राजा जो है झोपड़े से बाहर आते हैं और हर्मिट को ढूंढते हैं, उस बूढ़े को ढूंढते हैं, ताकि वो एक बार जाने से पहले अपने सवालों के उत्तर जान सकें। बूढ़ा जो है अपने घुटनों पे बैठ के सीड्स जो है बीज लगा रहा था उन खड्डों में जो उन्होंने खोदे थे। राजा बूढ़े के पास जाता है और कहता है कि एक आखिरी बार मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि कृपया करके मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। आपको आपके उत्तर मिल गए हैं, ये हर्मिट ने कहा अभी भी झुके हुए और राजा की तरफ देखते हुए। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मुझे उत्तर कैसे मिल गए, आप क्या कहना चाहते हैं। डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो। इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दोज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। अगर कल मेरी स्थिति के ऊपर तुम्हें दया नहीं आती और तुम वो गड्ढे नहीं खोदते तो तुम चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। तब वो आदमी तुम पे हमला कर देता और तुम ये सोचते कि काश मैं बूढ़े के पास ही रुक जाता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे ज़रूरी वक्त वो था जब तुम खड्डे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मैं सबसे ज़रूरी व्यक्ति था और मुझे या मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारा सबसे अच्छा बिजनेस, सबसे अच्छा कर्तव्य था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, उसके बाद जब वो व्यक्ति हमारी तरफ भाग के आया तो सबसे ज़रूरी वक्त वो था जब तुम उसका ख्याल रख रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वूंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर तुम ऐसा ना करते, उसके मरहम पट्टी ना करते, तो वो तुमसे पीस बनाए बिना, वो तुमसे सुलह किए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था उस वक्त पे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी वो था तुम्हारे लिए। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और तुमने जो उसके लिए किया वो उस वक्त सबसे ज़रूरी काम था। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन थिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, एंड दैट टाइम इज़ नाउ। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ध्यान से सुनिएगा, याद रिमेंबर देन, याद रखना
कि सबसे ज़रूरी वक्त कौन सा है, सबसे ज़रूरी वक्त जो है वो इस वक्त का है, अभी का है, क्योंकि अभी ही वो ऐसा वक्त है जिसके ऊपर हमें एक्ट करने की पावर है कि अब जो वक्त है इसमें मैं अगर कुछ भी डिसाइड करता हूँ तो वो पावर मेरे हाथ में है, वो शक्ति मेरे हाथ में है कि इस टाइम में मैं एक्ट कर सकूँ। क्योंकि जो देखिए आपका पास्ट जो है वो बीत गया, उसमें आप एक्ट नहीं कर सकते, जो आपका फ्यूचर है जो आने वाला है उस पर भी आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन इस वक्त इस क्षण में आपका पूरा कंट्रोल है कि आप क्या करना चाहते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट। उस पर्टिकुलर क्षण में आप जिस व्यक्ति के साथ हैं वो ही व्यक्ति सबसे ज़रूरी व्यक्ति है। एंड फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। देखिए, और इस बात में हमें फ्यूचर में ये नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और क्या हम फ्यूचर में किसी और से मिलेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ कि याद रखिए इस वक्त जो अभी का जो क्षण है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इस क्षण में जो व्यक्ति मेरे साथ है, मौजूद है, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति है। क्योंकि हमें भविष्य के बारे में नहीं पता, क्या पता हम भविष्य में किसी और से मिल ही ना पाए। और सबसे ज़रूरी काम हमारा क्या है कि जो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है उसके लिए हम अच्छा करें, क्योंकि परमात्मा ने हमें इस संसार में शायद इसी काम के लिए भेजा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई, मैं आशा करूँगा कि आपके साथ जो इंटरेक्शन हुआ है वो फ्रूटफुल होगा। और कुछ भी अगर आपको डाउट्स हैं या कुछ आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ज़्यादा करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बच्चों तक इसे पहुंचाइए ताकि सबके साथ सबको फ़ायदा मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।